일단 그냥 들어서 가자. देख सकते हो आप सब 125 इतना ऊपर में स्टार्ट रहा। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था 125 इतना टानेगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, दिस इज प्रशांत बरुआ, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो बेबी। सो वही तो आज बहुत दिन बाद आए हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो बीच में थोड़ा सा इधर उधर स्कूल के लिए हम लोग नहीं बना सकते थे, लेकिन आज आज मौका मिला है कहीं घूमने जाने के लिए। हम बॉक्सा डोर जा रहे हैं, तो मैं हूँ, प्रभु है, सोहन है और एक दोस्त है बाइक पे। तो हम लोग बाइक पे जा रहे हैं राइडिंग करते हुए, तो चलो आपको दिखाते हैं आगे जाके। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बॉक्सर डोर। तो अभी मतलब यहाँ से बॉक्सर डोर 26 किलोमीटर का है। तो अभी हम पहले जाएंगे फ्यूल अप कराने। मैं तभी गया था 110 का फ्यूल अप करा, मतलब 110 नहीं 121 रुपये का फ्यूल अप कराया, जो इधर प्रीमियम का प्राइस है। तो अभी फिर जा रहे हैं, फिर मैं 200 का भराऊंगा बाइक पे। हमारी NS 125 है, तो अच्छा माइलेज देती है और प्रीमियम लगाने से और भी अच्छा माइलेज दिया जाता है ये बाइक का। तो अभी हम आ चुके हैं डिम्मा पुल। यहाँ पर मतलब बहुत आदमी घूमने भी आते हैं, बहुत मस्त नज़ारा है इधर, आप लोग देख सकते हो इतना मस्त लग रहा है इधर। अभी जो आज का जो वेदर है ना बाइक चलाने के, बिल्कुल बढ़िया है। ऐसे आप लोग मतलब कमेंट करोगे मेरे वीडियो को अच्छे से प्यार दोगे, तो मैं ऐसा ब्लॉग निकालता रहूँगा और जाता रहूँगा इधर उधर ब्लॉग के। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा मैं मतलब चलाने की ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग दिखाते हो इधर का मतलब ये जो है ना 12,000 कम आते इधर। अभी हमारा स्टेशन मतलब बहुत दूर है, अभी 22 किलोमीटर होगा सर। प्रभु को दूंगा और मैं पीछे बैठ के बाइक वो बात करूंगा आप लोगों से। देख सकते हो प्रभु इधर तैयार हो रहा है। प्रभु यस। तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त खड़े हैं सोहन, और हम दो सिर्फ दो बाइक है, एक पल्सर 150 और NS 125। देख सकते हो मैं भी मतलब बिल्कुल तैयारी में आया हूँ पूरा। देख सकते हो आप लोग पानी कैसा आ रहा है, क्या मोबाइल थोड़ा भीग रहा है, देख सकते हो। तो मतलब बिल्कुल बढ़िया नज़ारा है आज का, मतलब बिल्कुल वेदर इतना बढ़िया है मत बोलो। तो अभी मैं बैठ रहा हूँ बाइक पे और हम जा रहे हैं, प्रभु चलाएगा, प्रभु चलाएगा, चल चल चल। तो प्रभु मतलब फॉरेस्ट के अंदर है, वेदर भी बहुत बढ़िया है। बड़े दिनों बाद बाइक चलाने के लिए खुला रोड है, मजा आता है। तो मज़ा तो बहुत आता है। हम लोग इधर जो राजा भत्त है ना, बहुत बढ़िया जगह है देखने के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो राजा भत्त का वही जाए। जमीन
मजा बहुत था। अरे डॉग सब है इधर, क्या होते पैर में आते हैं। सो अभी हम लोग मतलब इधर रुके हैं चाय पीने के लिए। अभी हम यहाँ चाय पीने रुके हैं, तो अभी हम लोग मतलब चाय पियेंगे। थोड़ा सुबह से कुछ नहीं खाया, आप लोग देख सकते हो मेरा न्यू स्टाइल इस बार का। तो अभी इधर से शायद और 20 किलोमीटर है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और 20 किलोमीटर इधर से अब जाना पड़ेगा। थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं फिर जाते हैं। सो हैंडग्लव गिर गया था, मैं फोन का कुछ काम कर रहा था, थोड़ा स्टेटस डाल रहा था, स्टेटस अपडेट कर रहा था, थक गया, थोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया। हम लोग अभी गाड़ी रोक के फोटो खींच रहे थे। ये रहा आप लोग का व्लॉगर, यस अरे रहा हम लोग का दोस्त लोग। अभी हम लोग निकल रहे हैं बक्सा के लिए। अभी हम लोग फॉरेस्ट के अंदर ही है। हम लोग अभी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कितना किलोमीटर है अभी, क्योंकि ना यहाँ पर इंटरनेट है ना कुछ, तो हम लोग गूगल का हेल्प ही नहीं ले सकते कितना किलोमीटर है। तो हम लोग मतलब अपना अंदाज से जा रहे हैं अभी, इतना अंदाज से हम लोग नहीं होने से भी अभी इधर से 18-19 किलोमीटर होगा। हम लोग फोटो खींच रहे थे, मतलब एक लाल कार हम लोग को देख के रुक गया, हाथी वाती तो नहीं है बोल के पूरा रुका हुआ है। बाद में हम लोग मतलब बाइक साइड किए, रोड में मतलब रोड देख सकते हैं कितना छोटा है, अभी मतलब थोड़ा मुश्किल से अंदर आउटलेट से जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग अगर बाइक खींच कर रख लेंगे तो आदमी दूर से देख के डर जाता है वो आदमी, लेकिन हम लोगों से 100 मीटर 200 मीटर जैसे दूर था, तो वो लोग गाड़ी रोक के पूरा देख रहे हैं क्या हुआ बोल के। फिर हम लोग जैसे बाइक चेक किए वो लोग आने लगा, फिर हम लोग देखते जा रहे हैं वो लोग। आज हम लोग ने मतलब ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया वेदर चूज़ किया है, सिर्फ बस रास्ते पे हाथी ना निकल जाए, क्योंकि ये मेन हाथी निकलने का एरिया है, इधर पे हाथी ज़्यादा निकलता है, इसलिए वही बात का डर है। जा रहे थोड़ा थोड़ा पानी है, बिल्कुल छोटा छोटा बूंद में पानी आ रहा है। हम लोगों ने सोचा था हम लोग फॉरेस्ट में हाथी दिखने को मिलेगा, हिरन देखने को मिलेगा, लेकिन आखिर में तो हम लोग गाय मिला है देखने के लिए। कोई नहीं, देख लीजिए, गाय भी देखने की चीज़ है, गाय माता। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं मतलब आधे रास्ते में, और ज़्यादा दूर नहीं है, शांति है। तो जैसे मतलब एक टर्निंग आता है उधर से जयंती जाते हैं, तो उधर के लिए राइट लेना पड़ता है जयंती जाने के लिए। ये टर्निंग जो है मैंने जयंती का ब्लॉग बनाया है, आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, जाके देख लेना। ये रास्ता सीधा जाने से जयंती जाता है और हम लोग अभी सीधा जाएंगे बक्सा। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया है, यहाँ पर एक गांव है और आगे पहाड़ देख सकते हो कितना प्यारा है। देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा है यार, बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया घर सब देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया घर है। ये सर घर इतना बड़ा बनाने का वजह क्योंकि यहाँ पर हाथी आता है, तो हाथी की वजह से ये लोग मतलब घर को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर एक स्कूल भी है,
देखो आप लोग हमारे गुम्बा है कैमरा में मैंने लग गया ना हम कपड़ा में पहुँचे हमें कुछ लग गया था उसको निकाल देते मतलब पानी लग गया था तो आप लोगों का मतलब नज़ारा अच्छे से नहीं दिखेगा इसलिए उसको हटा लिया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्पीड चलाया तो बेटा आया। यहाँ देख सकते हो ये सब कैंप है आदमी सब के। अभी हम लोग मतलब जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल फॉरेस्ट है तो यहाँ फॉरेस्ट रेंजर का ऑफिस है और BSF कैंप आपको पता ही है। मुझे भी आर्मी में शौक है आर्मी में जाने का। मेरे गाड़ी वाले ने रोक दिया गाड़ी, हम लोग जाने दिया आगे। थैंक यू गाड़ी वाले को भी। इधर में मतलब बारिश ज़्यादा हो रहा है, बारिश ज़्यादा होने के कारण मतलब कैमरा में पानी लग जा रहा है और दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फोटोग्राफ करने के लिए। कोई नहीं, फिर भी हम ट्राई करते रहेंगे आप लोगों को दिखाने का। देख सकते हैं इधर कितना मस्त नज़ारा है, ये पेड़ सकते हैं फोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करेंगे, आप लोग जितना प्यार दोगे, आपका सपोर्ट के चलते मैं मतलब GoPro ले लूँगा एक अच्छा वाला, क्योंकि GoPro से मतलब स्टेबल रहता है मतलब ब्लॉगिंग में क्लियरिटी बहुत अच्छा आएगा वीडियो का। और ऐसे मतलब जो अभी मैं फ़ोन से कर रहा हूँ शूट वो फ़ोन से मतलब पूरा स्टेबल नहीं हो रहा है, पूरा वीडियो ऐसे मतलब हिल रहा है। तो मैं GoPro ले लूँगा, अगर आपको सपोर्ट मिला प्यार मिला तो ले लूँगा और अच्छा अच्छा ब्लॉग आएगा। मतलब घना रास्ता है और फॉरेस्ट एरिया कितना मस्त है देख सकते हैं आप, और रास्ता भी कितना छोटा है ये देखो, मेरा दो उंगली के बराबर है, ये दिखाई दे रहा है ना कितना छोटा है हमारा। मतलब पूरा सेट में है, बाइक रेड एंड ब्लैक वाइट में है, थोड़ा सा हैंड ग्लव भी और हेलमेट भी सब मैचिंग में है। मतलब ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, थोड़ा राइडर वाला फील होना चाहिए ना, और आदमी भी देखे हाँ राइडर बोले ना ऐसा वाला होना चाहिए क्या। राइडर लोग को फुल सपोर्ट है हम लोगों का। अभी मतलब ऐसे वेदर है मतलब पानी आ रहा है, देख सकते हो आप रास्ता कितना भीगा है, इसलिए हम लोग स्पीड नहीं चला रहे हैं और स्पीड नहीं भी चलाना चाहिए ऐसा रास्ता पे, क्योंकि बाई चांस स्कीड हो गया इधर भी ना नेटवर्क है ना कुछ तो गिर जाएंगे बाद में हॉस्पिटल वो सब का सुविधा इधर नहीं मिलेगा जल्दी, इसलिए हम बहुत आस्ते चला रहे हैं बाइक। देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया नज़ारा है। हम लोग अभी मतलब पहाड़ में चढ़ रहे हैं, पहाड़ में आ गए हैं। नज़ारा देखो कितना बढ़िया है पहाड़ में। कैमरा में ये लग रहा था पानी, तो मतलब फिर से पानी लग गया था कैमरा में, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। उसको पोंछने के लिए मतलब फिर निकाला हम लोग, बाइक रोका तो बाइक रोक के अभी ऊपर ये देख सकते हो आप। इधर में भी थोड़ा हिल एरिया है, अप एरिया में ऐसा घर सब है, ये देख सकते हो आप। फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड है इन लोगों के, यहाँ पर बहुत बढ़िया है। हम भी चाहते हैं हमारा घर ऐसा जगह में हो, बस इधर में वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है और बाकी सब हॉस्पिटल का सुविधा है शायद इधर। हम लोगों को उतना नहीं मालूम क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम लोग मालूम नहीं है। बहुत शांति एरिया, मतलब जिसको शांति पसंद है शांति रहना चाहिए, जो शांति एरिया में रहना चाहता है वो इधर घर ले सकते हैं, मतलब घर बना सकते हैं इधर आगे जमीन ले सकते हैं। बहुत एरिया है, बाइक बहुत टाइम है और क्या होता है बाइक का साउंड सुन सकते हैं आप लोग। लेकिन जाते समय बाइक ऑफ करके चले जाएंगे, देख सकते हो आप क्या मस्त।
था, ऐसे में कटिंग काटना नॉर्मल, लेकिन अब पानी नहीं होता, सूखा रहता वेदर, तो कटिंग काटने में बहुत बढ़िया आता। प्रभु को भी हिल साइड एरिया बहुत पसंद है। हाँ, उसका थोड़ा सा वो है हिल एरिया में, इसलिए उसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे में मतलब वो मिरिक एरिया में गया था, तब देखा था ऐसा जगह। देख सकते आप बाइक का साउंड सुनो और मजा लो। देखिए यहाँ फोटो खींचा ये देख के तो मुझे लग रहा है इधर ही घर बना लेते हैं, इधर ही रहते हैं। प्रभु को भी यही लग रहा है इधर ही घर बना के इधर ही रहते हैं। देख सकते हैं इधर के आदमी लोग कैसे रहते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बॉक्सर। क्या बात, तो आप लोग रिएक्शन देख सकते हो, मतलब सबका। कदा ऐता कदा ऐता यहाँ हमारा पूछताछ हो रहा है। देखा तो ऐता इधर देखा था ना, इधर देखा था। आप लोग सुना बाइक में ये लोग बोल रहे हैं, मतलब रास्ता मतलब पूरा चढ़ाई वाला है, तो मतलब बाइक लेके जाओगे अपने रिक्स पे जाओगे, कुछ हुआ बाइक मतलब गिरे आप बाइक से, तो हमें मत बोलना, क्योंकि हम इतना नीचे तो बाइक रख के नहीं जा सकते, बाइक तो हमारा चढ़ जाएगा। इधर देखो आप नज़ारा, साउंड मजा दी देखे इसको मतलब ना, तो माथी समझे कस्तो यो है टान्छ कि कम गियरमा टान्दैछ नि त त्यो बाइकले यो त टानिहाल्छ अब यस्तो जग्गामा न मतलब आफ्ना हिमालयन यो सब हुन चाहिँ। और यामा बाइक तो मत बोलो, मेरा वो सबसे पसंदीदा बाइक में से एक है यामाहा। वो बाइक होता तो मस्त चढ़ जाते हैं, अभी 125 होके इतना अच्छा दे रहा है, मतलब इतना अच्छा चढ़ रहा है ये बाइक, सोचो आप। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ये पल्सर से, इतना बढ़िया ये दे रहा है, मतलब चढ़ रहा है इतना अच्छा से, इतना अच्छा माइलेज देता है, डबल लोड में क्या अच्छा टान रहा है। आते समय मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाइक ऑफ करके आराम से आ जाएंगे। भाई संग बोल रहे हैं वो, भाई संग मिला हम लोग। मैंने थोड़ा बुद्धि का काम किया,
125 देख सकते हो आप सब, 125 इतना ऊपर मेरे चांद रहे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था 125 इतना ताने का। हाँ तो देख सकते हो आप 125 इतना आ गया। अब यहाँ बाइक रखे था, हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, यहाँ से बाइक नहीं जाएगा तो हम लोग चल के जाएंगे यहाँ से। तो ये रहा आप लोग का व्लॉगर, ये कंटिन्यू करेगा। फाइनली पुग गया, इतनी खुशी ना, बढ़िया। जम करना, जम करना।